बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक ससुबे के नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन उपस्थित थे। मौके पर मंत्री श्री हसन ने कहा कि प्रेरणा भारती द्वारा समय समय पर किशोरियों के उत्थान और विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। संस्था द्वारा किशोरियों में आत्मविश्वास का संचार करने के लिए फुटबॉल सहित अनेक खेलकूद के कार्यक्रम लगातार संचालित किए जा रहे हैं, जो अत्यंत ही सराहनीय है। किशोरियों और उनके फुटबॉल सहित अन्य खेलकूद के कार्यक्रम के विकास में अगर संस्था को लगे तो उसके लिए हर संभव मदद के लिए तत्पर हूं। साथ ही उन्हें संस्था के गेट के समीप स्थित बाबा साहब की छोटी प्रतिमा को आत्मकद व छतरी युक्त बनाने की भी बात कही। इस अवसर पर मंत्री हाफिजुल हसन ने संस्था की ओर से तीन व्यक्तियों विद्रोह मित्रा, महेंद्र घोष व धनंजय प्रसाद को उनके सामाजिक कार्यों और खेलकूद के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु शॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व प्रधानाध्यापिका वाणी मुखर्जी, जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष विद्रोह मित्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, समिति की सचिव सावित्री देवी, सामाजिक कार्यकर्ता लुकमान अंसारी व संस्था सचिव कल्याणी मीना ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात पूजा और अनोखी द्वारा संयुक्त रूप से स्वागत गीत की प्रस्तुति की गई। साथ ही लुकमान अंसारी द्वारा भी एक गीत प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर संस्था द्वारा गत शुक्रवार को शहर के आम बागान में कराए गए किशोरी कोचिंग सेंटर के बच्चियों के खेलकूद के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा संस्था द्वारा चयनित कोचिंग सेंटर के बेहतरीन संचालन के लिए चार कोचिंग शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था द्वारा संचालित महिला फुटबॉल क्लब के पतरचपटी के खिलाड़ियों ने जर्सी पहनकर फुटबॉल के साथ एक फुटबॉल नृत्य की भी प्रस्तुति की, जिसे मंत्री सहित दर्शकों ने खूब सराहना की। कार्यक्रम का संचालन नेहा कुमारी, कांति कुमारी व सोनम ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में अरुण कुमार निर्जर, शंकर दास, पिंटू बॉस, विष्णु टुडू, संजीत झा, सिमोती मुर्मू, कांति कुमारी, वहीदा फिरोजी, मोनिका मित्रा आदि की भूमिका सराहनीय रही। आयोजित किया गया है इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पे उपस्थित यहाँ के जाने माने फुटबॉल प्रेमी और एक समय में मधुपुर में विद्रोदा और मोनोदा के नाम से जो टीम भी चलता था, एक एमआरसी और दूसरा एसबीआई, विद्रोदा महेंद्र दा, महेंद्र घोष जी जिसे घोष दा कह के हम सभी संबोधित करते हैं, और इनके बारे में जितना भी तारीफ या जितना भी प्रशंसा करें वो हम इनसे सीख लेनी चाहिए। आज के समाज में घोषणा से सीख लेनी चाहिए कि इस परिस्थिति में भी जितना जोश और खरोश के साथ ये हर चाहे चाहे नागरिक समिति हो, चाहे और भी रोटरी क्लब में भी है, तो इनसे सीख ये मिलता है कि आप विकट परिस्थिति में आप घबराए हैं। यहाँ मौजूद धनंजय जी हैं जो अपने आप एक पुस्तकालय है, इनका मैं बराबर फेसबुक में और विभिन्न माध्यमों से इनको मैंने पढ़ा है, देखा। साथ में मंच उपस्थित संजीत झा जी, अरुण निर्जर जी, कल्याणी मीना जी, अबू तालिब अंसारी साहब, अल्ताफ हुसैन, बीके साहब और तमाम यहाँ बच्चों, इस संस्था के सभी पदाधिकारीगण, सभी को मेरे ओर से आप जो समय समय पर बच्चियों के लिए चाहे फुटबॉल हो या आज बाल या मुक्त भारत के तहत आप लोगों ने आज यहाँ कार्यक्रम रखा है और आगे भी आप अनेकों प्रकार के समाज में सुधार के लिए, समाज में
तरीके से यहाँ की महिलाओं को बच्चियों को भागीदारी मिल सके, कैसे इसको आगे बढ़ा सके, उसमें आप काम करते हैं। इसकी जितनी भी तारीफ का किया जाए वो